नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अपने सर्कल वाले चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब जो बेसिक वर्ड है, जैसे सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, या फिर सेकेंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात करी थी। अब हम लोग क्या करेंगे इस वाली क्लास में, आज थ्योरम की बात करेंगे। एक थ्योरम है हमारे सामने और वो थ्योरम आपके पास ये कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अब यहां पर एक छोटी सी बात आ गई है ये टेंजेंट की। अब टेंजेंट क्या था? टेंजेंट का मतलब ये था कि आपके पास अगर कोई भी एक लाइन सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए पास होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने आपके सामने ये एक सर्कल बनाया और आप लोग देख सकते हैं इस सर्कल में यहां पर मैं कुछ इस तरीके से ये वाली एक लाइन बना रहा हूं और ये लाइन यहाँ पर इस तरीके से है जो कि सर्कल के इस वाले पॉइंट को टच करते हुए पास होती है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर टेंजेंट कहता हूं। टेंजेंट का यही मतलब था कि वो लाइन, जनरली कोई भी एक लाइन सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए क्रॉस हो जाती है। वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट कैसा भी हो सकता है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मतलब अगर आप सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट लेते हैं तो वो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो वो टेंजेंट हमेशा एक रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा जो कि रेडियस आपकी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब इस वाले पॉइंट से टच होगी। इसका ये मतलब उसने कहा है कि जैसे मान लीजिए आपने ये सर्कल लिया और यहां पर ये एक टेंजेंट लिया, तो ये वाला टेंजेंट हमेशा रेडियस के पास। अब रेडियस कैसे निकालोगे भाई? ये आपका यहां पर सेंटर है O और ये आपके पास रेडियस है। इसका मतलब आप वो वाली रेडियस, जैसे इस सर्कल के पास तो बहुत सारी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, वो भी रेडियस, लेकिन आपको वो वाली रेडियस लेनी है जो कि क्या कर रही है, इस टेंजेंट के उसी पॉइंट को टच कर रही है, मतलब वहां पर उसको टच कर रही है। तो इसने क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि भाई आपके सामने सर्कल का टेंजेंट हमेशा उसकी रेडियस पे, जो रेडियस उसको टच कर रही है, हमेशा उस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब आपको यहां पर प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझने में बहुत आसान था। क्वेश्चन वाले ने बहुत सिंपल सी बात कही है कि भाई आपके सामने अगर एक सर्कल है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर आपका टेंजेंट बना हुआ है, तो वो टेंजेंट हमेशा उसकी रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, यहां पर ये आपको निकालना, और ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। अब यहां पर इस थ्योरम को करते वक्त सबसे पहले हम लोग अपने गिवन को लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है, फिर टू प्रूफ को लिखते हैं क्या हमें प्रूफ करना है, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं वरना उसे स्किप कर देते हैं, और सबसे लास्ट में अपने प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो सेम उसी मेथड को हम लोग यहां पर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहां पर गिवन में कि हम लोगों को गिवन में क्या लिखना है। तो गिवन में क्या था हमारे पास कि भाई एक सर्कल है, तो हम लोग लिख देते हैं कि एक सर्कल, ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर ओ है। इनके नाम दे देते हैं, इस टेंजेंट का नाम मैंने यहां पर ए बी दिया और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम मैंने यहां पर पी दिया, मतलब जहां टच हो रहा था उसका नाम मैंने पी दिया क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। तो ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंड ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट, टेंजेंट पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू विद पॉइंट पी। ये पॉइंट, ये जो टेंजेंट है आपके सामने, ये पॉइंट पी के साथ पास हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पी से पास हो रहा है। एंड एंड ओपी इज ए रेडियस, ओपी इज ए रेडियस, और ओपी आपके सामने यहां पर एक रेडियस है। ये आपको यहां पर गिवन में सारा दिया हुआ था कि भाई आपके सामने एक सर्कल है जिस सर्कल का सेंटर ओ है, ओपी रेडियस है, ए बी एक ऐसा टेंजेंट है जो कि पी पॉइंट से पास हो रहा है। ये हम लोगों को गिवन था, हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। अब बात करेंगे हम लोग यहां पर अपने टू प्रूफ की कि हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है। तो हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है कि जो ये टेंजेंट है वो इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है, या फिर रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। इसका मतलब हमें यहां पर 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ए बी पर।
तो OP इस परपेंडिकुलर टू AB, ये हम लोगों को यहां पर प्रूफ करना है। उसके बाद देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा। यहां पर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। वो कंस्ट्रक्शन मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से करा कि मैंने एक लाइन बनाई, मतलब मैंने एक ऐसी लाइन खींची जो कि क्या करती है, इस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा मैंने एक ऐसी लाइन यहां पर ड्रॉ करी। मान लीजिए वो वाली लाइन ये है और ये लाइन यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी है जो कि इस पॉइंट ऑफ पी, मतलब इस पी को पी के अलावा, इस टेंजेंट को इस पॉइंट पी के अलावा किसी भी पॉइंट पर टच करती है। मतलब ये लाइन ऐसी है जो कि इस टेंजेंट को पी के अलावा कहीं भी टच कर सकती है। वो यहां भी हो सकती है, 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 वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो लाइन इस पी के अलावा कहीं भी टच हो रही है, अगल बगल कहीं भी हो सकती है, बस पी पे नहीं होगी। मैंने क्या करा, मैंने उस लाइन को यहां पर ये वाली लाइन माना और इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम पी है तो इसका नाम यहां पर क्यू दे देते हैं। तो हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन P, मतलब आप यहां पर P के अलावा कोई भी जनरली पॉइंट Q ले लो, वो Q ये भी हो सकता है, वो Q ये भी हो सकता है, वो Q ये भी हो सकता है, बस P नहीं होगा। तो टेक ए पॉइंट Q अदर देन P एंड जॉइन द OQ, बस इतना आपको लिखना है। तो यहां पर लिख देते हैं कि टेक ए पॉइंट Q, आपको Q एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि P से अलग है, मतलब टेक ए पॉइंट Q अदर देन पी जो कि पी से अलग है, टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन पी एंड, और सिंपल से लिख दो एंड ज्वाइन, और आपको यहां पर ज्वाइन कर देना है ओ क्यू, मतलब ओ क्यू को ज्वाइन कर देना है, इस सेंटर ओ से इस क्यू को यहां पर ज्वाइन कर देना है। बस इतना छोटा सा कंस्ट्रक्शन था। और उसके बाद फाइनली हमारा यहां पर प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पर प्रूफ में हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं अगर आपसे छोटी सी बात पूछूं कि भाई इस टेंजेंट और इस सर्कल पे, टेंजेंट और सर्कल पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि दोनों के दोनों पे आ रहा है, मतलब वो पॉइंट टेंजेंट पर भी आ रहा है और वो पॉइंट आपका यहां पर सर्कल पर भी आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि वो पॉइंट आपका P है, क्योंकि P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस टेंजेंट पर भी है और यही P एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहां पर इस सर्कल मतलब इस सर्कल पर भी है। तो ये पॉइंट आपका टेंजेंट पर भी और यही पॉइंट आपका सर्कल पर भी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो वो पॉइंट आपका टेंजेंट पर तो होगा लेकिन सर्कल पर नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहां पर क्यू को लिया, आप लोग देख सकते हो कि ये जो क्यू पॉइंट है वो आपका यहाँ टेंजेंट पर टच हो रहा है, मतलब टेंजेंट पर है लेकिन इस सर्कल पर नहीं है, मतलब सर्कल से टच होते हुए जा रहा है लेकिन सर्कल पर खत्म तो नहीं हो रहा ना, खत्म जाके तो वो यहाँ टेंजेंट पर हो रहा है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सिंस Q is a point on tangent AB, आपका जो ये Q वाला पॉइंट है ये इस tangent AB पर है जो कि other than P है, मतलब वो P से अदर है, मतलब बाहर की तरफ है, P से कहीं पर भी हो सकता है। इसका ये मतलब है कि जो ये वाला पॉइंट Q है वो इस सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है, वो सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है, क्योंकि क्यू जो पॉइंट है वो पी से अलग है और पी से अलग होते ही वो आपका सर्कल पे खत्म नहीं हो रहा, वो सर्कल से बाहर की तरफ आ गया। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे सो क्यू लाई आउटसाइड द सर्कल, इसलिए जो क्यू है वो आपका सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है। क्या आपको यहां तक समझ आया? देखिए हमारे पास यहां पर स्पेस नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां गिवन से ऊपर वाला रफ कर देते हैं। अच्छा ये लाइन मैंने यहां पर क्यों लिखी, सो क्यू लाई आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि आप लोग जानते हो जो आपके सामने टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है और यहां पर इस टेंजेंट ने सर्कल को पी पॉइंट पर टच करा है, तो पी के अलावा आने वाला कोई भी पॉइंट अगर आप ले लेंगे तो वो हमेशा सर्कल से बाहर की तरफ लाई करेगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पर टच करता है। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं बिकॉज टेंजेंट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट
वन पॉइंट, क्योंकि जो आपका टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक ही जगह टच करता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि Q लाई आउटसाइड द सर्कल, Q जो है वो आपका सर्कल से बाहर की तरफ लाई करता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसके बाद मैंने यहां पर अपना ये वाला पॉइंट R लिया और ये पॉइंट R यहां पर कुछ इस तरीके से है जो कि इस लाइन OQ को, इस लाइन OQ को यहां सर्कल पर मीट कर रहा है, मतलब सर्कल पर आकर आपस में मिला हुआ है, मतलब ये R सर्कल पे पहुंचने वाला पॉइंट है। अगर जैसे मान लीजिए आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और चलते चलते आप यहां पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यहां पहुंचेंगे, तो यहां पर पहुंचने का मतलब है कि आप R पॉइंट पर पहुंच गए, और फिर आप थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप Q पॉइंट पर पहुंच गए। तो वही चीज मैं यहां पर लिखने वाला हूं, मैं यहां पर ये लिखूंगा कि OQ, OQ इसको लिख देते हैं, OQ विल मीट द सर्कल, विल मीट द सर्कल, मीट द सर्कल एट पॉइंट, एट पॉइंट R। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि जो आपके पास ये OQ है वो क्या कर रहा है, वो सर्कल को इस पॉइंट R पर यहां पर मीट कर रहा है। अब एक छोटी सी बात, अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, अगर आप O से चलना स्टार्ट करते हैं तो O से चलते चलते R वाला पहले पड़ेगा या Q वाला पहले पड़ेगा, इसका मतलब R वाला पहले पड़ेगा। तो अगर आप O से चलना स्टार्ट करते हैं तो जो ये OR वाली लेंथ है वो इस OQ से छोटी है, क्योंकि जो R पॉइंट है वो तो सर्कल के अंदर सर्कल पर ही लाई कर रहा है और Q पॉइंट तो सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है। इसका मतलब यहां पर बेसिक कॉमन सी बात है कि जो आपका OR है वो छोटा है, वो किससे छोटा है, वो यहां पर आपका OQ से छोटा है। भाई सिंपल सी बात है कि जो ये OR है वो इस OQ से छोटा ही, आपको देखने पर भी पता लग रहा है। अच्छा ये OR क्या है, ये OR और कुछ नहीं उसकी रेडियस ही है, क्योंकि भाई आप कोई सी भी लाइन ले लीजिए, आप सेंटर से कोई सी भी लाइन ले लीजिए, जनरली आपके सामने वो कुछ और नहीं, वो सर्कल की रेडियस ही है। तो आप इस OR को यहां पर OP लिख सकते हो, क्योंकि भाई ये OR भी रेडियस था और यहां पर आपके पास ये OP, जो OP है वो भी क्या है, वो भी रेडियस है। तो अगर OR इज लेस देन OQ तो OP भी जो होगा वो लेस देन हो जाएगा OQ के। रीजन दे दो, बिकॉज बिकॉज OR एंड OP बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस, क्योंकि दोनों की दोनों यहां पर आपके सामने रेडियस है। क्या आपको इतना समझ आया, इसका क्या मतलब आपको पता चल रहा है, इसका ये मतलब आपको यहां पर पता चल रहा है कि अगर आप लोग इस पॉइंट P के अलावा जनरली कोई भी पॉइंट ले लेते हैं बाहर की तरफ, जनरली कोई भी पॉइंट ले लेते हैं बाहर की तरफ, तो वो हमेशा छोटा होगा, हाँ उसमें आपके सामने ये OP जो है वो हमेशा छोटा होगा उस बाहर वाले पॉइंट से। जैसे यहां पर OP जो था वो इस OQ से छोटा था, अगर आप मान लीजिए यहां पर S ले लेते हैं, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर मान लीजिए आप S ले लेते हैं तो OP छोटा है OS से, अगर आप यहां पर T ले लेते हैं तो OP छोटा है OT से, अगर आप यहां पर Z ले लेते हैं तो OP छोटा है OZ से। मतलब इस P पॉइंट के अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हो जो कि यहां पर सर्कल टेंजेंट को कहीं ना कहीं पर टच कर रहा है, तो वहां पर OP हमेशा छोटा होगा उस बाकी के कोई भी पॉइंट से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, सेम इसी तरीके से वी कैन प्रूव डैट, वी कैन सिमिलरली वी कैन प्रूव डैट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट अदर देन P, अदर देन P OP is always, OP is always shorter than the other, OP is always shorter than other, OP जो होगा वो हमेशा बाकी वाले से क्या होगा, OP हमेशा बाकी वाले पॉइंट से छोटा होगा। और आप लोग जानते हो कि अगर हमें सबसे छोटी डिस्टेंस मिल जाती है, जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, तो यहां पॉइंट से लेकर यहां पॉइंट तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये वही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला रिजल्ट आ गया। आप यहां से यहां तक ऐसे भी जा सकते हो, यहां से यहां तक डायरेक्ट भी जा सकते हो, यहां से यहां तक ऐसे घूम के भी जा सकते हो। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो साइंस वाला रिजल्ट आ गया। लेकिन मैथमेटिक्स में दोनों एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग अलग है कि अगर आपको किसी एक पॉइंट से लेकर किसी अनदर पॉइंट तक जानना है तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आप लोग तब ट्रेवल करेंगे जब आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, जब आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है, तो आप क्या करिए, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ले लीजिए। इसका मतलब है कि आपने सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को यहां पर ले लिया, तो यहां पर भी वही रिजल्ट लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर OP जो है वो हमेशा छोटा रहेगा बाकी आने वाले किसी भी पॉइंट से। इस चीज का ये मतलब है यहाँ पर कि जो OP है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बाकी सारे के सारे पॉइंट से। OP इज द शॉर्टेस्ट बाकी OP इज द शॉर्टर देन अदर। OP जो है वो बाकी सारे के सारे आने वाले पॉइंट से छोटा है। इसका साफ साफ ये मतलब है ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम O टू AB। अगर हमने O से लेकर AB पर कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा तो वहां पर OP शॉर्टेस्ट होगा एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। हमेशा आपके सामने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही करा कि जो ये ओपी वाली डिस्टेंस है वो हमेशा छोटी होगी बाकी आने वाले किसी ना किसी पॉइंट से जो कि आप टेंजेंट पर ले रहे हैं। मैं इसको भी रफ कर देता हूं। इसका साफ साफ ये मतलब है कि अगर आपके सामने ये परपेंडिकुलर ओपी वाली डिस्टेंस छोटी है तो हम लोग बहुत क्लियर कह सकते हैं कि आपके सामने जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसका मतलब जो OP है वो आपका परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली होती है। इसका मतलब ये OP क्या है, ये OP कुछ और नहीं, ये परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, अपने टेंजेंट AB पर। तो आपको यहां इस थ्योरम से क्या समझ आया, आपको इस थ्योरम से यहां पर यह समझ आया कि भाई अगर आपके सामने सर्कल पर आप कोई भी एक टेंजेंट ले लेते हैं तो वो टेंजेंट जहां पर भी सर्कल को मीट कर रहा है, जहां पर भी सर्कल को टच कर रहा है और वहां से आप एक रेडियस भी ले लेते हैं तो वो रेडियस हमेशा उस टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्यों परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि उस रेडियस के अलावा, उस मीट वाले पॉइंट के अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, अगर आप कोई भी डिफरेंट टेंजेंट लाइन ले लेते हैं जो कि टेंजेंट को टच कर रही है तो वहां पर वो मीट वाला पॉइंट जो होगा, मीट वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वही सबसे स्मॉलेस्ट होगी। और सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे शॉर्टेस्ट चीज क्या होती है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ आपके सामने परपेंडिकुलर वाली लेंथ होती है। इसका साफ साफ मतलब है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया।